बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDB ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDB ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDB ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDB ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है।
इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्तरों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्तरों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्तरों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन
बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्तरों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्तरों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्तरों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है।
इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को
अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह यूट्यूब पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDB ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह यूट्यूब पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDB ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह यूट्यूब पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDB ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी
राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्तरों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्तरों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्तरों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई।
इसे आईएमडीबी ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं।
इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माई की एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माई की नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामों के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माई की एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माई की नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामों के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माई की एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माई की नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामों के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है।
बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDB ने 10 में से 5.2 स्तरों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामों के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDB ने 10 में से 5.2 स्तरों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामों के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDB ने 10 में से 5.2 स्तरों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामों के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDB ने 10 में से 5.2 स्तरों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है।
इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन
बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माई की एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माई की नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामों के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माई की एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माई की नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामों के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माई की एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माई की नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामों के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माई की एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माई की नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है।
इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामों के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामों के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामों के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को
अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्तरों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्तरों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्तरों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी
राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई।
इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामों के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामों के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामों के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामों के भूमिका में काम कर रहे हैं।
इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्तरों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्तरों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्तरों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है।
बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDB ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDB ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDB ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDB ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है।
इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामों के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामों के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामों के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामों के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन
बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माई की एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माई की नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्तरों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामों के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माई की एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माई की नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्तरों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामों के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माई की एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माई की नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्तरों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामों के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माई की एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माई की नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है।
इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को
अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह यूट्यूब पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माई की एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माई की नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह यूट्यूब पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माई की एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माई की नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह यूट्यूब पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माई की एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माई की नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी
राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माई की एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माई की नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामों के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माई की एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माई की नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामों के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माई की एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माई की नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामों के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बड़ोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माई की एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माई की नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई।
इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं।
इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है। बोलो दुग्गा माइकी एक 2017 की रोमांस और बंगला भाषा की मूवी थी। इसे बोलो दुग्गा माइकी नामक से बंगाली भाषा में निर्माताओं ने निर्माण किया है। इसे रिलीज के उपरांत काफ़ी अच्छी समीक्षाएं भी मिली थी और यह सफलता प्राप्त करने वाली बंगाली भाषा की फिल्म के तौर पर उभर कर आई। इसे IMDb ने 10 में से 5.2 स्टारों की रेटिंग दी। इसे राज चक्रवर्ती के निर्देशन में बनाया गया है। इसे 22 सितंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे SVF कंपनी के द्वारा जो है वितरित किया गया है। इसके म्यूजिक को अरिंदम चटर्जी के द्वारा दिया गया हुआ भी बताया जाता है। इसमें अंकुश हजरा श्यामो के भूमिका में काम कर रहे हैं। इसमें सौरव दास बंगाल होंगे, जबकि नुसरत जहां ने इसमें उमा के भूमिका में अभिनय किया है। इसमें रजवता दत्ता को गैबोर के तौर पर, जबकि परन बंदोपाध्याय और कौशिक बैनर्जी भी इसमें कुछ अहम भूमिकाएं बजा रही है। इसकी भाषा बंगाली और इसके कहानी राज चक्रवर्ती के द्वारा लिखित भी बताई जाती है। इसमें जो गीत है वह YouTube पर मौजूद है।